तो हेलो भाई लोग, मैं हूँ इस्माइल और आप देख रहे हैं आरके डीजे का कलाना यूट्यूब। तो ये है अपना आरके डीजे जिसको अपन हाथी बोलते हैं और मैं बनाने वाला हूँ एक और नई डीजे की गाड़ी। भाइयों कल से ही काम चालू करेंगे। अब आप बताइए कि कौन सी गाड़ी पर हम नया डीजे बनावे। ये है अपनी बोलेरो पिकअप, ऑप्शन है अपने पास ये आइसर गाड़ी और एक और ये है टाटा की, ये गाड़ी भी सही लगती है। और भाई एक ऑप्शन ये भी है ट्रैक्टर। भाइयों ये है वो गाड़ी जिसकी 4.5 लाख रुपए डिमांड है। अब इसकी अगर वापस रिपेयरिंग करी जाए तो 5 लाख रुपए के आसपास ये सही कंडीशन में हो जाएगी। ये है अपनी बोलेरो पिकअप जिसके अंदर अपने पहले डीजे बने हुए हैं। तो भाइयों मेरे को ये बहुत ज्यादा पसंद है। बाकी जिसकी कमेंट ज्यादा आएगी कि कौन सी गाड़ी पे डीजे बनाया जाए उसी गाड़ी पे अपन डीजे बनाएंगे। हाँ तो भाइयों अब हर एक गाड़ी के फायदे और नुकसान मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप डिसाइड करेंगे कि न्यू आरके डीजे कौन सी गाड़ी पर बनेगी। ये पहली बार होगा कि एक यूट्यूब फैमिली, आप मेरी फैमिली हो, वो डिसाइड करेगी कि हमारी नई गाड़ी कौन सी होगी। तो गाइस आयसर के फायदे और नुकसान अब मैं आपको मेरे नजरिए से बता रहा हूँ। आयसर जो कि चौड़ी होती है, लेंथ में लंबी होती है, उसके अंदर साइलेंट जनरेटर आराम से आ सकता है। चौड़ी होती है तो अच्छे खासे स्पीकर भी उसमें आ सकते हैं। तो भाइयों वो स्पीकर और मशीनें सेम टू सेम मैं पिकअप के अंदर भी डाल सकता हूं, तो वो मामला तो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब रही बात कि वो बड़ी गाड़ी दिखने में खाली बड़ी है, बाकी उसके नुकसान हमारे गांव के अंदर ही बात बता रहा हूं, हमारे गांव में भी वो हताई के अंदर नहीं जा पाएगी। अब दूसरे गांव में जैसे कि मान लीजिए कहीं हल्की सी सगड़ी गली में जिस जहां पे पिकअप जा सकती है आयसर नहीं जा सकती, ऐसी गली में अगर कहीं मांडा हुआ और मैं वहां पे बारात ठेठ मांडे तक नहीं छोड़ पाया तो क्या वो बुकिंग मेरे पास आएगी? तो अब आप बताओ, बाकी हम बना लेंगे कोई बात नहीं, ऐसी बुकिंग छोड़ भी देंगे और रेट भी ज्यादा होती है, ये सारी चीजें हैं। बाकी सेम टू सेम माल मैं पिकअप में लगाऊंगा, ये वाली बात नोट रखना। ठीक है, तो भाई अब है ट्रैक्टर की बारी। ट्रैक्टर जो है थोड़ा सा सस्ता है पिकअप के मुकाबले, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा सस्ता है, और आयसर से तो बहुत ज्यादा सस्ता है। ठीक है, तो एक चीज ये बजट में है और दूसरा फायदा तो है ही नहीं, नुकसान है। नुकसान क्या है मैं बताऊं कि जैसे मान लीजिए यहां से हमारे गांव से बारात जाती है ब्यावर, जो कि 50 किलोमीटर है, तो बारात पहुंच के आई थिंक वो खाना वाना खा लेंगे, तब तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये सीन है। और मान लो फुल टापू टाइप हाईवे पे भी भगाए तो धन्नस ढक जाएगी। थोड़े टाइम बाद साउंड सिस्टम है जो कि कहीं से वेल्डिंग खुल जाएगी, कहीं स्पीकर डैमेज हो जाएंगे, कहीं बक्से डैमेज हो जाएंगे, तो ये सारी चीजें है, मेरा नजरिया है भाइयों, बाकी कोई दुनिया कुछ भी सोचे ये मेरा नजरिया है। ठीक है, तो भाइयों मैं वीडियो में तो 407 को नहीं ले पाया, पर एक 407 भी ऑप्शन तो ठीक है। आयसर और पिकअप के बीच की जो गाड़ी है सही है, पिकअप से हल्की सी महंगी है, आयसर से हल्की सी सस्ती है। ठीक है, बजट का तो कोई इश्यू है नहीं, आप बोलोगे तो 407 पे भी बना लूंगा, है ना। तो अब इसका फायदा एक ये है कि ये हल्की फुल्की गली में तो जा सकती है, कहीं ज्यादा डिफिकल्टी आई तो वो बात अलग है। और अब इसकी प्रॉब्लम मेरे नजरिए से तो ये है कि इसका जो 407 का चेसिस होता है ना भाई, तो वो बहुत ज्यादा हाइट पे होता है, मान लीजिए ये तो होता ही है। अब अगर मैं यहां से साउंड सिस्टम चालू करूंगा भाई, तो 3 बॉक्स 4 बॉक्स रखने के बाद तो गाड़ी ये जो रेलवे के ब्रिज होते हैं उसमें से भी नहीं निकल पाएगी। और उसमें एक ऑप्शन ये होता है कि चेसिस को छोड़ के पीछे जमीन से यहां से बॉक्स स्टार्ट किया जाए, तो भाई वो वाले बॉक्स काफी टाइम तक नहीं चल पाते, उसमें ज्यादा टाइम बाद वेल्डिंग खुलने का रिस्क होता है, क्योंकि सारा वेट सिर्फ और सिर्फ वेल्डिंग पे होता है, ना कि चेचिस पे। तो इसका सोल्यूशन तो है भाइयों, पर इतनी माथाफोड़ी करें ही क्यों? और लुक सामने से 407 देख के मेरे दिमाग में ये आता है कि ये तो सीमेंट ले जाने वाली गाड़ी है। मतलब हमारे यहाँ पे थोड़े टाइम पहले तो 407 हम बस को बोलते थे, जब हम मायरे के अंदर उसके ऊपर बैठ के जाते थे, तो मेरे माइंड में तो वही है। बाकी कमेंट करो, देखते हैं। और भाइयों लास्ट में ऑप्शन है अपने पास महिंद्रा बोलेरो पिकअप। लुकिंग में तो लाजवाब है, क्या ही कहने, सफेद घोड़ा जिसको बोलते हैं। वजन के मामले में इन सारी गाड़ियों से तो कम नहीं है, डीजे का वजन तो यू लेके कोई भी घाटी हो चढ़ाई हो आराम से चढ़ जाती है। ठीक है, नुकसान जो है इसके अंदर थोड़ा सा ये है कि चौड़ाई है जो अपने पास थोड़ी सी कम है। भाइयों ये मान के चलो कि ज्यादा से ज्यादा खासतान करने के बाद भी एक स्पीकर का डिफरेंस हो सकता है, और वही अगर अपन जो बॉडी वाले बॉक्स बनाते हैं तो वो डिफरेंस भी खत्म हो जाता है, है ना। रेडीमेड बॉक्स जो आते हैं वो आयसर के 407 के अंदर वो पूरे आ जाते हैं, डीजे बॉडी के अंदर जो बोलेरो पिकअप की बात कर रहा हूं उसके अंदर जो बॉडी बनाते हैं वो स्पीकर के बराबरी हो जाती है, तो माल तो बराबर आ जाता है,
वजन उठाने में कभी कमी है ही नहीं, लुकिंग तो क्या ही कहना है। और मैं कोई भी कंजूसी ना करके सेम टू सेम आपको मैं ये वादा करता हूं कि जो आयसर 407 में जो माल आ सकता है ना, वो माल मैं एक पिकअप के अंदर डालूंगा और वो क्या तगड़ी बजेगी वो आप देखोगे 20-25 दिन बाद जब वो बन के आएगी। तो मेरा तो यही है कि पिकअप जब होनी चाहिए, बाकी सोच रहा हूं मैं कुछ चेंज करने की इस बार। तो आप अगर कमेंट करते हो कि ये गाड़ी होनी चाहिए इस्माइल भाई, तो सबसे ज्यादा कमेंट जिस गाड़ी को लेकर आती है, 4-5 ऑप्शन है आपके पास, कमेंट करिए तो डिसाइड रहेगा। परसों हम गाड़ी निकलवाने वाले हैं तो 2 दिन के अंदर कमेंट काउंट करके मैं डिसाइड कर लूंगा कि कौन सी गाड़ी होनी चाहिए। ठीक है भाइयों, डिपेंड करोगे आपकी न्यू आरके डीजे कौन सी गाड़ी पर बनेगी। और आज से ये सीरीज स्टार्ट हो जाती है, कल परसों हम गाड़ी निकलवाएंगे वो वीडियो आ जाएगी, उसके बाद हम जनरेटर खरीदेंगे वो वीडियो आएगी, डीजे बॉडी बनाएंगे वो वीडियो आएगी। डीजे बॉडी की भी आपसे पूछने वाला हूं कि कौन सा क्या बनाएंगे, पहले तो गाड़ी डिसाइड हो जाए फिर फिक्स होगा। ठीक है, तो भाइयों ये थी आज की एक वीडियो और उम्मीद करता हूं कि आप अपना फुल सपोर्ट करते हुए कमेंट करोगे कि कौन सी गाड़ी होनी चाहिए, आपके हाथों में भाइयों। और मेरा तो मानना यही है कि पिकअप, बाकी आपका मानना क्या है वो अपन देख ही लेंगे कल परसों तक। ठीक है, और मैं आपको इस बार पूरी गाड़ी दिखाने वाला हूं कि शुरू से लेकर लास्ट तक, खरीदने से लेकर पूरी गाड़ी बनने तक हर एक खर्चा। आपके भी माइंड में अगर कुछ हो कि मेरे को इन फ्यूचर डीजे गाड़ी बनानी है तो कितना क्या खर्चा आता है, छुपा हुआ खर्चा भाई मेन जो चीज है ना, कि आप सोचते हो गाड़ी ले ली, बॉडी बना ली, जनरेटर ले लिया, यहीं पे काम खत्म नहीं होता भाई। गाड़ी लेने के बाद उसमें ट्रोली, कबाड़ियों का काम, चेची सपोर्ट, बहुत सारी चीजें जो छुपे हुए खर्चे हैं, तो वो आपको हमारी इस सीरीज के अंदर कंप्लीट पता चल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पूरी जो सीरीज है जो महीने भर की, जब तक गाड़ी आएगी तब तक मैं बनाता रहूंगा, आपको पूरी देखनी है, हर एक अपडेट मैं आपको यूट्यूब पे देता रहूंगा। तो आप सब्सक्राइब कर लेना और ये पूरी सीरीज देखना लास्ट तक, बाकी डीजे जो बन के आएगा वो अद्भुत ही होगा, क्योंकि मेरा दिमाग और आप सभी का दिमाग मिलके जब एक डीजे बनाएंगे ना तो वो भाई लाजवाब होगा। तो मिलते हैं कल परसों गाड़ी निकलवाते हुए, तब तक एक खास में।